देखिए, निकी तंबोली से भिड़ रहे हैं अगर आप, तो निकी तंबोली के पास आपके खिलाफ जो भी सबसे बेस्ट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होगा वो आपके मुंह पर फेंक कर मारेंगी। लेकिन उनके पास वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आएगा कहाँ से? यानी कि ये वाला जो चुम्मा चाटी करते हैं विकास, ये पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कहाँ से आया है? निकी तंबोली के पास। आइए जानते हैं इसी वीडियो में। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। भाई, कल रात तक जब विकास जो है अपनी फैमिली के किस्से बता रहे थे, तो देवोलीना को विकास पर बहुत गुस्सा आ रही थी। इनफैक्ट हम लोगों ने लाइव फीड में सुना था किस तरीके से वो उनको अब्यूज तक कर रही थी, साला हरामी, ये सब कुछ बोल रही थी। और ये भी बोलती हुई नजर आई थी, अगर आपने लेट नाइट मसाला देखा हो, कि ये करता क्या है, अब इसको जो है शो में दिखना है तो ये करता क्या है, खाता है, पीता है, सोता है, चुम्मा चाटी करता है और फिर विक्टिम कार्ड खेलता है। अब यहाँ पे जो है चुम्मा चाटी करता है, ये वर्ड एक्चुअली जो है देवोलीना के मुंह से ही निकले थे। और ये जो देवोलीना के मुंह से बाण निकले हैं, वही बाण जाके अर्शी खान ने निकी तंबोली को सुनाए और निकी तंबोली के कानों में कोई बात पहुंची, यानी कि निकी तंबोली के मुंह से जरूर निकलेगी और पीठ पीछे नहीं निकलेगी, जिस इंसान के बात है उसी के मुंह पर निकलेगी। यही तो है निकी तंबोली की खासियत। उन्होंने विकास गुप्ता से बहस में बोल दिया कि भाई चुम्मा चाटी करता है। और अब यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि देवोलीना ने एक्चुअली ये मैटर शुरू किया था, देवोलीना ने ही एक्चुअली ये सारी बातें बोली थी विकास गुप्ता के खिलाफ। अब देवोलीना ही खड़ी है विकास के साथ निक्की के खिलाफ। तो क्या हम लोग ये समझ सकते हैं कि देवोलीना का टारगेट जो है निकी तंबोली, चाहे वो कुछ भी करे, यानी कि निकी तंबोली कुछ भी कर रही हो, चाहे वो चीज देवोलीना ने खुद शुरू की हो, देवोलीना विल स्टैंड अगेंस्ट निकी तंबोली विद यू नो अ ह्यूज फ्लैग ऑफ सेइंग निकी तंबोली गलत है। तो यहाँ पे क्या निकी तंबोली को सिर्फ नीचे दिखाने के लिए देवोलीना उनके खिलाफ खड़े होने के लिए, किसी के साथ भी खड़े होने के लिए तैयार हैं? आपको क्या लगता है इस पूरी लड़ाई में देवोलीना सही है या निकी तंबोली सही है? आ जाइए, करते हैं कॉमेंट सेक्शन में इसी की चर्चा। लगातार हमारे साथ बने रहिए, और भी कई सारी खबरें हैं जो वहां तक पहुंचाते रहेंगे।